हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी स्किन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे चेहरे की रंगत काली पड़ जाती है, हमारा चेहरा सांवला पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम घर पे बैठे कुछ घरेलू नुस्खों को अगर अपनाएं तो हम अपने चेहरे पर खोई हुई रंगत को वापस पा सकते हैं, या अगर आपकी स्किन काली पड़ गई है तो उसको भी हम गोरा कर सकते हैं, चेहरे को निखार सकते हैं, और आप ऐसा घर बैठे ही कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर एक देसी नुस्खा बताऊंगा जो काफी कारगर है, काफी किफायती है और अच्छे तरीके से वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पर, और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस नुस्खे के अंदर बात करूंगा नींबू की। जैसा कि आपको पता होगा कि नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड होता है और इसके अंदर काफी अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे चेहरे की गंदगी को, हमारे चेहरे के मैल को, जो रोम छिद्र होते हैं उनको साफ करता है और स्किन को अच्छे तरीके से टोन करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ही हमारे स्किन को निखारने का भी ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 चम्मच हम इसके अंदर से नींबू का रस निकाल लेंगे। सावधानी पूर्वक आप नींबू को काट लीजिए। और आप 2 चम्मच नींबू का रस इसमें निकाल लीजिए। इस तरीके से आपने 2 चम्मच इसमें नींबू का रस ले लिया है। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि देसी नुस्खों से हम अपनी खोई हुई त्वचा की रंगत को पा सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि हम लोग बिलीव नहीं करते, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये देसी घरेलू नुस्खे कारगर नहीं होते हैं। दोस्तों, एक कारगर बहुत होते हैं अगर सही तरीके से हम नुस्खा बनाएं और सही तरीके से हम अप्लाई करें। तो दोस्तों, नींबू के बाद में हम अगला लेंगे टमाटर। टमाटर के अंदर दोस्तों काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन को टोन करने के साथ साथ हमारी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, हमारे चेहरे को गोरा करने के लिए और चेहरे पर रंग खोई हुई रंगत को वापस पाने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जो काफी किफायती होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, नींबू का रस लेना है। तो इसको पहले नींबू को भी काट लेते हैं हम। दोस्तों, इस तरह से नींबू को काटने के बाद में हमें क्या करना है, नींबू का भी रस इस तरीके से इसमें से मिला लेते हैं। इस तरीके से हम 2 चम्मच नींबू का रस, टमाटर का रस निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से आप ले लिए। अब दोस्तों, करना क्या है, इस नींबू जो हमारा टमाटर है इसको फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम बताएंगे आपको बाद में। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, अब लेना है बेसन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि बेसन के अंदर हमारी स्किन को, चेहरे को गोरा करने के, चेहरे का जो सांवलापन है उसको खत्म करने की काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, और ये हमारे चेहरे को निखारने की इसके अंदर काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो काफी किफायती होती है दोस्तों, और काफी बेनिफिशियल होती है हमारी स्किन के लिए। और इसके अंदर ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन को अंदर से क्लीनिंग करके, सफाई करके हमारे चेहरे को निखारती हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें बेसन के भी करीब 1 चम्मच हम बेसन ले लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे अपना, वो है इनो। दोस्तों, इनो के साथ ही हम अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, गोरा कर सकते हैं। तो हमें इसको कैंची की सहायता से हमें इसको काट लेंगे और इसके अंदर इनो की मात्रा को मिला देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसको आधी इनो मिला सकते हैं या पूरी मिला दीजिए, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना क्या है, हमें इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर झाग उठ रहे हैं, यानी कि इनो की सहायता, इनो की वजह से झाग उठ रहे हैं, और ये काफी किफायती और घरेलू नुस्खा बनने वाला है जो हमारी स्किन को अंदर से ग्लो करेगा। दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये नुस्खा है बनके तैयार हो चुका है, हमारा जो पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसको चेहरे पर, अपने हाथों पर अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, जहां भी आपको अपने चेहरे की रंगत को निखारना है, अपने चेहरे को निखारना है, आप उस जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो नींबू हमने काट के रख लिया था उसका अप्लाई करेंगे, और इसको करना क्या है, हम इस नींबू से स्क्रब करेंगे। तो इस तरीके से इसमें डिप कर लीजिए, और डिप करने के बाद में
आप अपने स्किन पर यानी चेहरे पर या हाथों पर या पैर पर इस तरीके से स्क्रब करिए और साथ साथ में इसको थोड़ा स्क्यूज कर दीजिए, जिससे कि इसका थोड़ा सा रस निकलेगा टमाटर का, वो इस तरीके से इसमें समा जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पर लेकर के इस पर इस तरीके से आप मसाज कीजिए, स्क्रब कीजिए करीब 2 से 3 मिनट तक, और इस तरीके से स्क्रब कर लीजिए अपने चेहरे पे पूरे पे या हाथों पर या पैरों पर। स्क्रब करने के बाद में इस तरीके से इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए करीब 5 से 10 मिनट तक, और सूख जाने के बाद में ठंडे साफ पानी से इसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए। दोस्तों आपको हमारा नुस्खा कैसा लगा हमें कमेंट करके प्लीज बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।